गाइस वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला का पार्ट सेकंड देखेंगे, डैट इज़ सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। आई होप कि आपने इसका पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स और नर्सिंग और आपको डायग्नोसिस के बारे में मैंने उसमें बताया है। नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सर्जिकल करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट इज़ डन बाय एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। बेसिकली सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं विद एक्सीजन ऑफ द फिस्टूला, यानी कि जो फिस्टूला होता है उसका हम एक्सीजन कर देते हैं और जो ब्लाइंड सैक है उनमें हम क्या करते हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। और ये हम किसके थ्रू करते हैं, बाय राइट पोस्ट्रोलेटरल थोरेकोटोमी। एंड आफ्टर डैट हम क्या करते हैं, हम इसमें इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज करते हैं। ये जो होता है दिस इज़ डन व्हेन द इन्फेंट हैज़ मोर देन 2 kg बॉडी वेट, यानी कि ये जो सर्जिकल मैनेजमेंट है हम बेसिकली जब करते हैं जब इन्फेंट का मोर देन 2 kg बॉडी वेट हो और उसमें जो है कोई भी निमोनिया प्रेजेंट ना हो और जो बेबी है उसकी जो स्टेबल है वो उसकी जो कंडीशन है वो क्लिनिकली स्टेबल हो। आफ्टर डैट हम जो है सर्जिकल मैनेजमेंट ये वाला करते हैं। जो सर्जिकल करेक्शन है उसको हम डन कर सकते हैं इन वेरियस स्टेजेस विद डिवीजन ऑफ द फिस्टूला। जो गैस्ट्रोस्टोमी है वो परफॉर्म की जाती है इन इनिशियल स्टेज, फॉलोड बाय इसोफेगल एनास्टोमोसिस और कॉलोनिक ट्रांसप्लांट आफ्टर 1 ईयर। ये जो स्टेज होती है वो डन होती है इन स्मॉल प्री मैच्योर और जो बहुत ही ज़्यादा सिक बच्चे होते हैं न्यूनेट्स उनमें, और विद अदर एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। अदर सर्जिकल इंटरवेंशन जो हैं वो इंक्लूड करती है सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी, इसोफेगोकोलोप्लास्टी एंड इसोफेगोगैस्ट्रोप्लास्टी। सो बेसिकली देखिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं विद एक्सीजन ऑफ द फिस्टूला और ये हम राइट पोस्टोलेटरल थोरेकोटोमी के थ्रू करते हैं। एंड आफ्टर डैट फॉलोड बाय इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज। ये हम जब करते हैं जब बच्चा जो है उसका बॉडी वेट मोर देन 2 kg हो और उसमें कोई भी निमोनिया प्रेजेंट ना हो और जो बच्चे की कंडीशन है वो क्लिनिकली स्टेबल हो। आफ्टर डैट जो सर्जिकल करेक्शन है वो जो है डन होता है इन वेरियस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिस्टूला। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी को परफॉर्म करते हैं इन इनिशियल स्टेज फॉलोड बाय इसोफेगल एनास्टोमोसिस और कॉलोनिक ट्रांसप्लांट आफ्टर 1 ईयर। ये जो स्टेज होती है वो डन होती है इन स्मॉल प्री मैच्योर और जो बहुत ही ज़्यादा सिक न्यूनेट्स होते हैं उनमें, और जिनके अंदर इसके अलावा और भी कोई भी अदर एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल एनोमली होती है उनमें। अदर सर्जिकल इंटरवेंशंस अगर हम देखें तो वो इंक्लूड करता है सर्वाइकल इसोफेगोस्टोमी, इसोफेगोकोलोप्लास्टी एंड इसोफेगोगैस्ट्रोप्लास्टी। नाउ अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट हम जो है बेसिकली प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव देखेंगे। सो फर्स्टली हम प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस देखेंगे एंड आफ्टर डैट हम पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस देखेंगे। सो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशंस इंक्लूड द इन्फेंट मे बी प्लेस इन अ रेडिएंट वार्मर इन विच ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर। इन्फेंट जो है हमें उसको प्लेस करना है रेडिएंट वार्मर में ताकि उसको जो है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर होता रहे, और जो है इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है बच्चे के लिए नेसेसरी हो सकता है, बिकॉज अगर इनके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मैकेनिकल वेंटिलेशन इंट्यूबेशन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इन्फेंट को रेडिएंट वार्मर में प्लेस करना है जिसमें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन उसको एडमिनिस्टर होती रहे। आफ्टर डैट हमें मेंटेन करना है एनपीओ स्टेटस। एनपीओ स्टैंड्स फॉर नील पर ओलर ओरल, और डैट इज़ कि हमें जो है बच्चे को माउथ के थ्रू कुछ भी नहीं देना है। अब हम माउथ के थ्रू कुछ नहीं देंगे तो इसीलिए हमें बच्चे की कंडीशन को स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आईवी फ्लू थेरेपी स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या है, हम मेंटेन करेंगे बच्चे की आईवी फ्लू थेरेपी एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली, जो बच्चे का रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसको हम क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे।
एंड आफ्टर डैट हम जो है मेंटेन करेंगे सुपाइन अपराइट पोजीशन बच्चे की एटलीस्ट 30 डिग्री अपराइट, ताकि हम फैसिलेट कर सके ड्रेनेज को और प्रिवेंट कर सके द चांसेस ऑफ एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। बिकॉज इसमें क्या है, इसमें जो है इस ट्रैकियोसोफैगस फिस्टुला में क्या होता है, ब्लाइंड सैक होता है, तो उससे चांसेस है कि बच्चा एस्पिरेट कर ले गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को पोजीशन देंगे सुपाइन अपराइट पोजीशन एटलीस्ट 30 डिग्री एंगल पे। हमें जो है कीप द ब्लाइंड पाउच एम्प्टी ऑफ सिक्रेशंस बाय इंटरमीटेंट और कंटिन्यूस सिक्रेशन एज सक्शन एज प्रिस्क्राइब। बेसिकली जो है इसमें क्या है, ब्लाइंड सैक होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमक कंटेंट्स है वो फर्दर पास आउट नहीं होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इंटरमीटेंट और कंटिन्यूसली जो है बच्चे का सक्शन करते रहेंगे और जो ब्लाइंड पाउच है उसको एम्प्टी करते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे इट्स पेटेंसी क्लोजली, और बिकॉज इन केस अगर क्लॉगिंग या फिर म्यूकस अकर हो रहा है तो वो क्या है, वो डेंजरस हो सकता है, इसीलिए जो है हम क्या करेंगे बच्चे का जो है सक्शन करते रहेंगे। इन केस अगर गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब इंसर्टेड है इट मे बी लेफ्ट ओपन सो डैट एयर एंटरिंग द स्टोमक थ्रू द फिस्टूला कैन स्केप, यानी कि जो अगर गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब बच्चे में इंसर्ट है, जो भी मतलब फिस्टूला के थ्रू जो भी एयर एंटर कर रही है स्टोमक में, तो हमें जो है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को ओपन छोड़ना है ताकि जो भी एयर मतलब आ रही है एंटर कर रही है वो एस्केप हो जाए, वहाँ से निकल जाए, सो डैट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन टू द ट्रैकिया। And also we will prescribe broad spectrum antibiotics because of high risk for aspiration of pneumonia. Now the post operative interventions include monitor करना है vital signs and respiratory status of the child, maintain करके रखना है IV fluids, antibiotics and parental nutrition as prescribed। parental nutrition जो होता है हमारा IV therapy होता है, जिसमें क्या करते हैं हम बेसिकली इसमें जो है फीडिंग करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की टू अ पर्सन इंट्रावीनियसली बाय पासिंग द यूजफुल प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन। बेसिकली पैरेंटल न्यूट्रिशन को हम हाइपर एलिमेंटेशन भी बोलते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियली सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स की टिपिकली इंट्रावीनियसली दैट इज़ IV सिस्टम के थ्रू। एंड आफ्टर डैट हमें जो है मॉनिटर करना है डेली वेट, असिस्ट करना है डिहाइड्रेशन एंड पॉसिबल फ्लूड ओवरलोड। हमें जो है मेंटेन करना है स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट, यानी कि बच्चा क्या ले रहा है, कितना जो है बच्चे का इनटेक है और कितना बच्चे का आउटपुट है, वो हमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखना है, यानी कि जितना बच्चा ले रहा है उतना आउटपुट में हमें मिल रहा है या नहीं। असिस्ट करना है साइंस ऑफ पेन एंड मेंटेन करना है चेस्ट ट्यूब को इनकेस अगर चेस्ट ट्यूब बच्चे में प्रेजेंट है तो। इंस्पेक्ट करना है सर्जिकल साइट फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। हमें कंटिन्यूसली देखना है बच्चे के साइन एंड सिम्टम्स को कि जहाँ सर्जिकल साइट है वहाँ पर जो है इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर रेडनेस स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। और इन केस मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को पता करने के लिए हम WBCs काउंट चेक कर सकते हैं। इन केस अगर WBCs काउंट इंक्रीज है दैट मीन्स देयर मे बी इन्फेक्शन वॉज प्रेजेंट इन द बेबी। एंड ऑल्सो हम बच्चे का जो है टेम्परेचर वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। मॉनिटर करना है फॉर एनास्टोमोटिक लीक एस एविडेंस बाय प्योरलेंट ड्रेनेज फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब, यानी कि इनकेस अगर चेस्ट ट्यूब में से प्योरलेंट ड्रेनेज आ रही है दैन मे बी इट वॉज चांसेस की एनास्टोमोसिस लीक हो रही है। इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज ब्लड सेल काउंट, हमें देखना है कि बच्चे का जो है टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं है या फिर वाइट ब्लड सेल काउंट्स जो है वो इंक्रीज तो नहीं है, बिकॉज इट मे इंडिकेट ऑफ इन्फेक्शन। एंड आफ्टर डैट वी विल सी बिफोर फीडिंग एलिवेट द गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। बच्चे को फीडिंग से पहले जो है एलिवेट करना है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को और सिक्योर करना है उसको अबव द लेवल ऑफ द स्टोमक टू अलो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस टू पास टू द ड्यूओडेनम, जिससे कि जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं वो डायरेक्टली पास हो सके ड्यूओडेनम में एंड स्वेलो एयर टू एस्केप थ्रू द ओपन गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। और जो भी मतलब एयर जो भी आ रही है वो जो है एस्केप हो सके गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से। एडमिनिस्टर करना है ओरल फीडिंग्स को विद स्टराइल वाटर फॉलोड बाय फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग्स ऑफ फॉर्मूला एज प्रिस्क्राइब बाय द
डॉक्टर। नाउ थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।